सो जी, स्वागत है आपका एक और वीडियो के अंदर। और फिलहाल जो ये दो चाबियां आप मेरे हाथ में देख पा रहे हो, ये चाबियां हमारी बिलोंग करती हैं इस प्रोडक्ट को। ये है आपके सामने 2024 किया कैरेंस। ये इसका ग्रेविटी एडिशन है 1.5 टर्बो IMT के साथ। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये पर्टिकुलर वेरियंट इस इंजन के साथ और इस ट्रांसमिशन के साथ IMT के साथ ये आपको कॉस्ट करता है 13.50 लाख रुपीज एक शोरूम, 13.5 लाख रुपए एक शोरूम दिल्ली फरीदाबाद के अंदर। और ऑन रोड अपना स्टेट टू स्टेट चीजें जो है डिपेंड करेंगी, क्या ऑफर क्या डील पे बन जाती है, बाकी चीजें वो है। अभी इस ग्रेविटी एडिशन में अगर आप ये सारी चीजें लेते हो, मतलब पर्टिकुलर ये IMT TGDI IMT वेरिएंट आप लेते हो, तो इसमें आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती हैं उनके हम एक एक करके बातचीत कर लेते हैं। और थोड़ा शोर शराब आए तो प्लीज उसके लिए माइंड मत करना भाई, क्योंकि जस्ट मैं रोड के साइड में ही हूं, तो हल्की फुल्की आवाज जो है वो आपको आती रहेगी। बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आवाज अपनी थोड़ी ज्यादा बुलंद रखूं ताकि चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर रहे। प्राइस बता दिया, वेरिएंट आपको बता दिया, अभी एक एक करके चीजों की बातचीत करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की यहाँ पे जो की है वो आती है, यहाँ पे डोर्स को लॉक करने के लिए बटन है, अनलॉक करने के लिए बटन है। इस बटन को होल्ड करके रखोगे तो आप अपना बूट जो है वो एक्सेस कर सकते हो। और सेकेंडरी की जो है सेम कंट्रोल के साथ आपको मिलती है। यहाँ पे किया मेंशन है और काफी हैंडी सी, काफी प्रीमियम सी की जो है वो आपको मिलती है। और यहाँ पे फ्लिप की आती है कुछ इस तरीके की। अभी इसको रख लेते हैं पॉकेट में। प्रोडक्ट की बात करें तो ये आपकी स्क्रीन पे मैंने हाँ शो कर दी है। इसकी डायमेंशन देख लेना, क्या लेंथ विड्थ हाइट है प्रोडक्ट की, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि यहाँ पे गाड़ी कितनी लंबी ऊंची चौड़ी है। ये फ्रंट से बातचीत करें तो कुछ चेंज जो है बाहर की साइड से, वो आपको व्हाइट कलर के ऊपर थोड़े ज्यादा मतलब ऐसे नोटिस होंगे, जैसे कि इसकी सनरूफ जो कि अभी यहीं से आपको दिख रही होगी, और थोड़ा पास जाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर करा दूंगा। फ्रंट की बात करें तो इसका डिजाइन एलिमेंट है, हैलोजन सेटअप है, यहाँ पे इंडिकेटर भी हैलोजन बेस है, पार्किंग बल्ब अगेन एक येलो छोटा बल्ब आपको मिलेगा। और ये चीज जो है ग्लॉसी आती है, जो कि ब्लैक कलर के ऊपर आपको शायद नोटिस ना हुई हो, बट व्हाइट पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये प्रॉपर मिलेगी। एक सिल्वर स्ट्रिप आती है जो कि कॉमन है, इसी तरीके से आएगी। किया का लोगो यहाँ पे मेंशन है, और मतलब किया का लोगो यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे टोइंग हुक की प्लेसमेंट है, नंबर प्लेट की प्लेसमेंट, काफी बड़ा सा यहाँ पे लिप मिलता है। और ये पूरा एरिया जो है एयर इनटेक के लिए ही है। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो कोई LED फॉग लैंप्स वगैरह जो है वो नहीं है, LED नहीं मतलब कैसे भी फॉग लैंप्स वगैरह जो है वो नहीं है। हालांकि इसके अंदर वो LED वाली आते हैं, बट वो यहाँ पे नहीं है। तो ये थी फ्रंट की बातचीत। बाकी साइड में आप क्लैडिंग वगैरह देखो, इस कलर के ऊपर आपको अच्छे तरीके से नोटिस होगी कि क्या क्लैडिंग की थिकनेस है और किस तरीके से इसकी जो डायमेंशंस वगैरह हैं वो हैं। बाकी देखने में अच्छी लगती है और एक परफेक्ट जो बॉडी लाइन है वो है गाड़ी की। देखने में एकदम ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक सही तरीके का कॉम्बिनेशन है सारी चीज़ों का। ऐसा नहीं लगता है कि आगे से अच्छी बना दी है, पीछे से मजा नहीं आया। तो सभी चीजों का अच्छा सा कॉम्बिनेशन है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे जो टायर्स हैं वो है MRF के टायर सेक्शन जो है इनका, वो आपको मिलता है 205/65R16 16 इंच के स्टील व्हील्स आएंगे। आगे डिस्क और पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक ही देखने के लिए मिलती है। और ये कुछ इस तरीके के व्हील कैप आपको यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। किया का यहाँ पे बीच में लोगो है। 195mm की बढ़िया सी ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी के हिसाब से, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल। ग्रेविटी का यहाँ पे आपको एक मार्क जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है इस डोर पैनल पे और साइड वाले डोर पैनल पे। और बाहर से आप इसको जस्ट इस मार्क के थ्रू ही आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ भाई एक अलग चीज आपने ली हुई है। और प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको अच्छी मिल जाती है, जो कि अंदर की साइड से आपको फील होंगी, बाहर की साइड से एक ये मार्क है। और एक ये सनरूफ जो कि इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलती है, तो ये आप देख सकते हो कुछ ऐसे यहाँ पे सनरूफ आएगी। बॉडी कलर ORVM इंडिकेटर्स के साथ हैं, बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, मैट ब्लैक कलर्स हैं, यहाँ पे अपने प्लेन ग्लासेस आते हैं और काफी बड़े बड़े से डोर पैनल हैं। और ग्लास एरिया की पर्टिकुलरली बात करें तो काफी अच्छा ग्लास एरिया यहाँ पे आपको मिलता है, मतलब इसकी वजह से गाड़ी के अंदर आपको ऐसा सफोकेशन जैसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा और काफी एयरी फीलिंग गाड़ी के अंदर बनी रहती है। ऊपर की साइड बात करें तो शार्पन एंटीना मिल जाता है, स्पॉइलर है काफी बड़ा सा, ये ग्लॉसी ट्रीटमेंट्स आपको मिल जाते हैं, स्टॉप लैंप यहाँ पे डिफॉगर वाइपर नहीं है, टेल लैंप्स कुछ ऐसे मिलेंगे, हैलोजन बेस यहाँ पे TGDI जो इंजन को डिनोट करती है कि एक टर्बोचार्ज इंजन इस गाड़ी के अंदर आपको मिलेगा। कैरेंस यहाँ पे मेंशन है, नीचे रिफ्लेक्टर्स हैं, 4 पार्किंग सेंसर्स हैं, यहाँ पे रिवर्स कैमरा आपको मिल जाएगा। और पीछे बम्पर पे आप देखोगे तो कोई सिल्वर ट्रीटमेंट वगैरह जो है वो आपको नहीं मिलता है। और यहाँ लेफ्ट साइड से रिलेगा गाड़ी के अंदर पेट्रोल। और पीछे बूट की हम बात करें तो ये मैग्नेटिक बटन आती है, जिसे प्रेस करते हैं बूट आप अपने एक्सेस कर सकते हो। 216 लीटर्स के आसपास की बूट स्पेस आती है। और अगर आपको ये एक्सटेंड करनी हो, थोड़ी बढ़ानी हो, तो ये सीट आप आगे की तरफ ऐसे फोल्ड कर सकते हो। अगर ये यूज़ नहीं कर रहे हो आप, तो यहाँ पे और स्पेस जो है आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे 50-50 का ऑप्शन है और अच्छी खासी स्पेस यहाँ पे मिल जाती है। अगर ऐसा है अडल्ट भी हैं, थोड़ा लंबा सफ़र करना चाहते हैं यहाँ पे, तो वो यहाँ पे इजीली बैठ के कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी यहाँ पे सहूलियत के लिए Type-C पोर्ट है, इधर की साइड भी प्रॉपर सीट बेल्ट आपको दी गई हैं, रूफ माउंटेड AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं और प्रॉपर थर्ड रो में LED लाइट जो है वो मिलती है। तो मतलब जो सहूलियत की चीज़ें हैं वो यहाँ पे थर्ड रो के अंदर भी दी गई हैं। अभी चलते हैं आगे की साइड और यहाँ पे आप देख लो ये टूल किट वगैरह है इसकी, और जो स्पेयर व्हील है वो गाड़ी के नीचे आपको
मिल जाएगा। अभी चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, जहाँ पे जो मेन चेंजेस हैं वो आप नोटिस करोगे वो अंदर की साइड ही हैं। क्या है उनकी बात करते हैं। पहली चीज दरवाजों का वेट, जो कि अच्छा खासा है, मतलब जब भी खोलोगे बंद करोगे तो फील होगा आपको। ये सब कुछ यहाँ पे लेदर है, ये चीज आपको नई देखने के लिए मिलती है। प्रॉपर लेदर टच है चारों डोर पैनल्स के ऊपर और बढ़िया कॉम्बिनेशन है बेज एंड ब्लैक का, अच्छा लगता है देखने में। चारों पार विंडोज हैं, विंडोज के लॉक हैं, डोर्स के यहाँ पे मतलब जो लॉक हैं वो मिल जाते हैं। ORM के इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स हैं फोल्ड एंड फोल्ड एडजस्ट करने के लिए, मतलब फोल्ड एंड फोल्ड तो आपको हाथ से करने पड़ेंगे, एडजस्ट करने के लिए है, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। सिल्वर डोर लीवर, स्पीकर, बोतल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती है। और जो सबसे बढ़िया चीज यहाँ पे मिलती है वो है लेदर सीट्स, जो कि एकदम नई अपॉलिसी के साथ आपको मिलती है, मतलब ब्लैक सीट्स हैं और ये फुली लेदर सीट्स हैं। एयरबैग के टैग के साथ हैं, सिक्स वे मैनुअल एडजस्टेड हैं ये। नीचे दो ही पैडल्स हैं क्योंकि IMT में है ये, तो यहाँ पे क्लच नहीं आती है। यहाँ पे ब्रेक और एक्सेलरेशन सिर्फ ये दो पैडल्स आपको मिलेंगे। डेड पैडल के लिए प्रॉपर यहाँ पे प्लेसमेंट है। और यहाँ पे एडजस्ट स्टार स्टॉप की बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल की बटन है, लाइट लेवलिंग डायल है, बोनट खोलने का लेवर, फ्यूल लिड खोलने का लेवर यहाँ पे। अभी चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में और इंटीरियर में क्या फील चेंज हुई है और किस तरीके से चीजें आपको फील होंगी उनकी एक एक करके बातचीत कर लेते हैं। गाड़ी एक बार मैं स्टार्ट कर लेता हूँ क्योंकि आज पता नहीं कैसे गर्मी हो रही है भाई, इतने दिन से तो बारिश हो रही है जबरदस्त और आज धूप निकल रही है वो भी इतनी गंदी वाली। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे फ्लिप की आती है, जैसे मैं यहाँ से डालूंगा और ये गाड़ी ऐसे कुछ तरीके से एक बार ऑन करूंगा तो स्टीयरिंग व्हील जो है अनलॉक हो जाएगा, इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है यहाँ पे ऑन हो जाती है, गाने वगैरह आप इस सिचुएशन में प्ले कर सकते हो। और सेकंड टाइम जब मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो एक सेकंड ब्रेक पे पैर रख के स्टार्ट करनी पड़ती है ये, तो ये स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। और एक सेकंड AC ऑन कर लेते हैं थोड़ा सा जी, लो जी अब हवा नहीं स्टार्ट हो गई है। इसकी बात करते हैं तो पहली चीज ये पूरा डिजिटल है यहाँ पे और अच्छे तरीके से चीजें जो है विजिबल हैं। अभी आप देख सकते हो अच्छी खासी धूप आ रही है फिर भी यहाँ पे चीजें जो है अच्छे तरीके से विजिबल हैं, नंबर वगैरह जो है अच्छे तरीके से दिख रहे हैं, जो कलर इसके अंदर है वो अच्छे तरीके से विजिबल है। तो है तो डिजिटल बट वो वाले डिजिटल नहीं है जो एकदम बहुत ज्यादा फैंसी सा होता है, वैसा कुछ है नहीं। बट जितनी चीजें यहाँ पे आपको मिलती हैं वो सब चीजें आपके काम की हैं और गाड़ी से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपको चाहिए बेसिक नीड्स वगैरह जो है वो सब यहाँ पे मिल जाते हैं। मतलब रियल टाइम इकोनॉमी और टेम्परेचर वगैरह, क्या गाड़ी चली है, क्या रियल टाइम इकोनॉमी आप निकाल रहे हो वगैरह वगैरह, जितनी भी सारी चीजें होती हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। यहाँ पे स्पीड दिखेगी, यहाँ पे RPM वगैरह है, यहाँ पे टेम्परेचर, इधर साइड फ्यूल, तो ये चीजें हैं यहाँ पे। और यहाँ आ जाते हैं वाइपर्स के कंट्रोल, यहाँ पे है अपने हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स के कंट्रोल। और एक नई चीज जो आपको देखने के लिए मिलती है वो है ये डी कट स्टेयरिंग व्हील, जो कि इसमें आपको मिलता है ग्रेविटी एडिशन के अंदर। कैरेंस यहाँ पे मेंशन है, नीचे से फ्लैट बॉटम है ये। यहाँ पे अपने मीडिया के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, वॉइस कमांड का फीचर भी है, इस MID के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, देख सकते हो यूजर सेटिंग और ये TPMS वगैरह की नोटिफिकेशन, ड्राइव इन्फॉर्मेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें, कितनी देर से आप ड्राइव कर रहे हो और क्या इकोनॉमी निकाल रही है गाड़ी वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसकी एडजस्टमेंट की बात करें, टिल्ट का ही ऑप्शन है, टेलीस्कोपिक ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो ये एक नई चीज़ आपको मिलती है, लेदर रैप्ड अपना डीकट स्टेयरिंग व्हील। तो ये यहाँ की बातचीत थी। अभी डैशबोर्ड एक सेकंड में दिखाऊंगा, उससे पहले ऊपर देख लो आप। तो ये एक नई चीज़ मिलती है यहाँ पे, ये सनरूफ आपको मिल जाती है, बढ़िया सा डुअल शेड केबिन है गाड़ी का, तो अच्छी खासी रूमी फीलिंग जो है रहती है गाड़ी के अंदर और अच्छा लगता है देखने में भी। तो ये चीज़ें हैं, बाकी यहाँ पे वैनिटी मिरर है, एयरबैग की आपको वेजिंग मिल जाती है, काफ़ी सॉफ्ट सा मटेरियल है। यहाँ पे LED वाइट लाइट्स आपको मिलती हैं भाई साहब, ये सनरूफ के कंट्रोल्स हैं। सीट बेल्ट रिमाइंडर यहाँ पे आपको मिल जाता है, वॉइस कमांड आती है तो उसका जो माइक है वो यहाँ पे दिया गया है। सनग्लास होल्डर की प्लेसमेंट है, मैनुअल डिमिंग IRVM है और इधर से टिकट होल्डर की प्लेसमेंट भी आपको मिल जाती है। और जो सबसे बड़ा अपग्रेड मुझे लगता है और जो प्रैक्टिकल चीज है काफी ज्यादा वो है ये डैश कैम, जो कि कंपनी की तरफ से ही आपको मिलता है, किया यहाँ पे मेंशन है। तो ये मतलब इस अपना ग्रेविटी एडिशन के अंदर आपको डैश कैम देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक काफ़ी प्रैक्टिकल और एक सेफ फीचर है, जो कि मेरे हिसाब से सभी गाड़ी के अंदर होना चाहिए। और अभी जब ये इसके अंदर आ चुका है तो मेरे हिसाब से अभी इस गाड़ी के अंदर आपको ऑलमोस्ट ज़्यादातर वेरियंट्स में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां तक मुझे उम्मीद है। डैशबोर्ड की बात करें तो लेआउट्स अच्छे हैं, नीट एंड क्लीन से लेआउट्स हैं, मतलब ऐसा कोई ज़्यादा चेंज तो हुआ नहीं है बट स्टिल काफ़ी अच्छे से लेआउट्स हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। ये अपनी इंफोटेनमेंट स्क्रीन आप देख सकते हो, थोड़ी सी टिल्ट है उधर की साइड तो हल्का सा रिफ्लेक्शन जो है वो आता है, कैमरे में आपको नहीं दिख रहा होगा बट यहां से मैं देख पा रहा हूं। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ आती है, फिजिकल नॉब्स एंड बटन्स दिए गए हैं, हेडलाइट के बटन, AC के कंट्रोल्स हैं यहां पे प्रॉपर। नीचे की साइड एक USB पोर्ट है, एक टॉयो का चार्जिंग सॉकेट है, एक टाइप सी पोर्ट है, हिल डिसेंट कंट्रोल है, यहां पे स्पेस वगैरह मिल जाती है, 6-speed का मैनुअल गियर लीवर कुछ ऐसा आएगा, 2 कप होल्डर्स, हैंड ब्रेक ब्लैक टिप के साथ, आर्म रेस्ट जिसे आप यूज कर सकते हो, यहां पे नीचे की साइड अच्छी स्पेस मिल जाती है और ये भी लेदर रैप्ड है, तो ये भी चीज इस ग्रेविटी एडिशन के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है।
और यहाँ पे भी अच्छी खासी स्पेस आपको मिल जाती है ग्लो बॉक्स के अंदर, मतलब अच्छी खासी इन दी सेंस थोड़ा पेपर वर्क वगैरह जो है वो आपका आ जाएगा। बाकी फिट एंड फिनिश को लेके बात करें या फिर जो भी फील है ओवरऑल गाड़ी के अंदर बैठ के कि हाँ पे इतना पैसा डाला, गाड़ी की फील कैसी है, उसमें कोई कमी नहीं है। फील अच्छी है गाड़ी की, सारी चीजें स्टडी फील होती है, कुछ भी ऐसा लूज सा फील नहीं होता और देखने में अच्छा लगता है। बाकी ये यहाँ की बातचीत कुछ रह जाए तो प्लीज पूछना कॉमेंट्स में। अभी गाड़ी की रेयर सीट दिखा देता हूँ कि पीछे क्या स्पेस है, कंट्रोल्स किस तरीके से दिए गए और मेनली कम्फर्ट कैसा है इस गाड़ी का, तो यहाँ से कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछना कॉमेंट्स में। अभी चलते हैं गाड़ी की रेयर सीट पे, तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं उनकी बात करें। ज़्यादा दरवाज़ा खुलेगा नहीं और ज़्यादा खोलेंगे भी नहीं हम इसको, क्योंकि यहाँ पे लग सकता है तो इतना कष्ट हम लेंगे नहीं और ना इतना परेशान करेंगे। तो यहाँ की बात करें तो प्रॉपर लेदर है यहाँ पे, आप देख सकते हो सारी चीज़ें, जैसे आगे वाली डोर ट्रिम स्पेस सेम। यहाँ पे कर्टन्स आपको मिल जाते हैं जो कि इस तरीके की धूप के लिए ही मेनली मुझे मतलब सबसे ज़्यादा परफेक्ट लगते हैं। सिल्वर ट्रिम्स यहाँ पे दी गई है, पावर विंडो कंट्रोल है, स्पीकर है, बोतल होल्डर है। अभी चलते हैं इसकी सीट पे, यहाँ पे क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से चीज़ें हैं। तो ये आगे वाली सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट है पहली चीज़, और ये और कर लेता हूँ अपने हिसाब से एडजस्ट ताकि एक आइडिया लग जाए कि हाँ जी ये लो अब कंफर्टेबल पोजीशन पे। और ये आगे पीछे स्लाइड भी हो जाती है कुछ इस तरीके से, तो ये लो जी अभी मतलब उस पोजीशन पे है कि पीछे बंदे को बैठना हो किसी को तो वो आराम से बैठ सकता है। यहाँ पे आप लेग रूम देख सकते हो, थाई रूम में तो कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे हेड रूम भी आप देख लो कितना है मेरे पास, मैं आराम से बैठा हूँ। यहाँ पे पॉकेट है, यहाँ पे पॉकेट है, ये एसी वेंट्स हैं, इनके कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं, फ्लो कैसा चाहिए आपको वो चीज़ें हैं, दो टाइप सी पोर्ट है, स्पेस है, हम तो बिल्कुल भी नहीं है, तीन बंदे बड़े आराम से बैठ सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एडजस्टेड हेड रेस्ट आते हैं, बीच में आर्म रेस्ट भी है। अभी इसको निकाल नहीं सकता मैं क्योंकि पन्नी वगैरह लगी हुई है तो, बट यहाँ पे आर्म रेस्ट मिल जाता है आपको। 3 पॉइंट प्रॉपर सीट बेल्ट्स आपको दी गई हैं यहाँ पे, 1, 2 और ये 3 ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं जो कैसे इजी फोल्ड हो जाते हैं। यहाँ पे हुक भी दिया गया है और कर्टन तो दोनों साइड है ही, और अभी आप इनकी वजह से देख सकते हो जो ये थोड़ा सा ठंडा माहौल आपको लग रहा होगा ये अपने शेड्स की वजह से। बाकी पीछे की सीट्स भी कंफर्टेबल हैं, आप देख सकते हो अच्छी खासी स्पेस यहाँ पे मिल जाती है, तो कोई कंप्लेंट यहाँ पे नहीं है इन चीज़ों से लेके। तो ये है, अभी पीछे तो मैं नहीं जाऊँगा बिल्कुल भी। बाकी यहाँ पे रूफ माउंटेड एसी वेंट्स वगैरह सब की सहूलियत दी गई है, और यहाँ पे एयरबैग आपको मेंशन दिखेगा पिलर्स पे भी, और पीछे से कुछ ऐसे दिखता है डैशबोर्ड का व्यू। अभी यहाँ से कुछ पूछना हो तो प्लीज़ पूछना कॉमेंट्स में, और मैं आपको इंजन भी दिखाता हूँ इस गाड़ी का कि इंजन भी किस तरीके से अलग है और कितनी अलग पावर आपको डेवलप करके दे देता है। तो यहाँ से कुछ पूछना हो तो प्लीज़ पूछना कॉमेंट्स में। तो बात करें यहाँ पे इंजन बे के बारे में, तो पहली चीज़ यहाँ पे इंसुलेशन पैडिंग वगैरह आपको नहीं मिलती है, तो एक ये चीज़ है, मिल जाती तो अच्छा रहता। बाकी इंजन की बात करें तो यहाँ पे सीधा सीधा मेंशन है टर्बो, इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और पीछे का अलग से मार्क मिलता है इसको TGDI का, तो वो इस टर्बो चार्ज इंजन के लिए ही है। तो यहाँ पे जो इंजन मिलता है वो है 1.5 लीटर्स का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन जो कि आपको डेवलप करके देता है ऑलमोस्ट 157 BHP के आसपास एंड 253 NM के आसपास का टॉर्क। 45 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है, ये मतलब IMT है, ऑलमोस्ट मैनुअल और ऑटोमेटिक की तरह ही चलती है। तो गियर आप अपने हाथ से डालोगे, बाकी क्लच का इसमें कोई झंझट रहता नहीं है, थोड़ा सा आपको यूज टू होने में टाइम लगेगा, ऐसा भी नहीं 1 या 2 दिन के आसपास आप मतलब लगेगा आपको थोड़ा एडजस्ट होने में, बट फिर आप इसको अच्छे तरीके से ट्यून करके चला लोगे अपने हिसाब से, अच्छी खासी इकोनॉमी भी निकाल के दे देगा। टर्बो चार्ज इंजन तो मतलब मान के चलो फिर भी आप डबल डिजिट में आपको कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो है निकाल के दे देगा। तो ये आपके सामने इसका टर्बो चार्ज इंजन है, अब इसको कर लेते हैं बंद और फिर मिलते हैं फटाफट से। सो ये थी आपके सामने 2024 किया कैरेंस, ये इसका ग्रेविटी एडिशन था टर्बो IMT के साथ। और क्या ख्याल है इस गाड़ी के बारे में आपको बताना मुझे कमेंट्स में, और इस प्राइस पॉइंट पे जो चीज़ें अपडेट हुई हैं इसके अंदर, जो मतलब कुछ कुछ चीज़ें बढ़ा के दी हैं कंपनी ने, आपके क्या ओपिनियंस हैं उनको लेके वो मुझे ज़रूर से शेयर करना कमेंट में। बाकी प्रोडक्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और हम फिर मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय।